हाय एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्या है राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, उसमें दिया गया आपका क्या दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। राष्ट्रवाद यानी किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो इनमें परस्पर प्रेम और एकता को क्या करता है, स्थापित कर देता है। यही भावना आधुनिक विश्व में क्या होता है, राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसके प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। और राष्ट्रवाद का जब में राष्ट्र का जन्म लैटिन भाषा शब्द नेसो से हुआ है। किससे हुआ है, नेसो से हुआ है, जो सामूहिक जन्म अथवा वंश के क्या करता है, भाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। और राष्ट्रवाद का अर्थ ही क्या होता है कि लोगों के समूह से है जिनकी एक जाति, एक इतिहास, एक संस्कृति और एक भाषा और एक निश्चित भूभाग को क्या करता है, राष्ट्रवाद। उस विश्वास को कहते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होता है कि हम जिस भूभाग पर रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, उस पर क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से वो शासन कर सके, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्र धर्म क्या होता है कि सबसे यानी ज़्यादा उपयोगी होता है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रवाद को उसी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यदि इसी तरह का यदि सब्जेक्टिव यदि प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे आप जाके बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की क्या स्थिति थी। क्या है क्रांति से पूर्वी रूसी किसानों की कैसी स्थिति थी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1861 ईस्वी तक रूस में क्या अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। कितना ईस्वी से, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1861 ईस्वी तक, है ना। 1861 ईस्वी तक रूस में अधिकांश किसान क्या था, बंधुआ मजदूर था। जैसे क्या होता है कि हम लोग के इन तरफ क्या होता है कि जमींदार सब होता है, तो क्या होता है कि ज़्यादा आदमी सब आता है, जैसे कि मान लीजिए लेबर सब कह सकते हैं हम, है ना, लेबर लेबर सब आता है, उसी को इन क्या बोल सकते हैं, बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं कि नहीं उसी के पास जाना है ना, यही उसी को क्या बोल सकते हैं हम, बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं। और 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त होने पर भी उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया। यानी कृषि दास्ता जो समाप्त होने पर भी कितना ईस्वी में, 1861 ईस्वी में कोई भी सुधार नहीं आया, कि यानी कृषि में कोई सुधार नहीं आया। और कर्ज और लगान के बोझ से हुए खेतिहर मजदूर बन गए। और यानी ज़्यादा यानी क्या होते, कर्ज हो जाएगा लेबर पे ज़्यादा, यानी मजदूर पे ज़्यादा कर्ज हो जाता है ना, तो यानी क्या होता है कि वो मजदूर यानी बन जाता है ना। और हम कह सकते हैं कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय थी। और उनके खेत क्या था, बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर क्या था कि वे पारंपरिक ढंग से यानी लगातार यानी ढंग से क्या करते था, खेती करते थे, लेकिन उनके पास क्या था, पूंजी की बहुत कमी था। और वही क्या था कि करों के बोझ से क्या था, बहुत ज़्यादा यानी क्या था, नीचे था, मतलब क्या दबा हुआ था, है ना। ये सब हम वैसी स्थिति थी, यानी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की ऐसी स्थिति थी। अगला क्वेश्चन है कि डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि डांडी समुद्र तट पर पहुंचकर क्या, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, नमक कानून क्या था, नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर जो कर बढ़ाना अनुचित फैसला था। यानी कर मतलब क्या हो जाएगा आपका, टैक्स, क्या था, टैक्स यानी बढ़ाना क्या था, अनुचित फैसला था।
साथ ही यह सरकार के खिलाफ क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का क्या था, एक संकेत भी था, है ना। जैसे क्या है, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था कि हम बोल सकते हैं कि डांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर जो कर बढ़ाना है, मतलब टैक्स जो आप बढ़ाए हुए हैं, ये क्या है, अच्छा फैसला नहीं है। और साथ ही यह सरकार के खिलाफ क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का एक संकेत भी था, है ना। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेफरेंस क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, डांडी यात्रा क्या क्या उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। देखिए, गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को क्या क्या संगठित एवं एकत्रित किया और टाइपो के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने का योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। और मुद्रण टाइप बनाने हेतु उसने क्या किया, सीसा, टीन, बिस्मथ धातुओं से क्या किया, उचित मिश्र धातु बनाने का क्या एक तरीका ढूंढा। और वही शीशे का प्रयोग, किसका प्रयोग, शीशे का प्रयोग सस्ता और स्याही के स्थानांतरण की क्षमता के कारण किया गया, है ना। और रंगा और टीन का उपयोग भी उसकी कठोरता एवं गलाने के गुणों के कारण किया गया। और जो गुटेनबर्ग था, वो मुद्रण यंत्र का विकास इसी तरह किया। और हम बोल सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने क्यों किया, तो आवश्यकता अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई, लेकिन क्या किया, गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र बनाया। कौन सा नामक मुद्रण यंत्र तो बनाया, लेकिन कौन सा प्रेस नामक, हैंड प्रेस नामक, है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसमें लकड़ी के चौखट में क्या था, दो समतल भाग, प्लेट और बेड एक के नीचे दूसरा रख दिया जाता था। और कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेड पर रख कर उस पर क्या था, स्याही लगा दी जाती थी। और तब क्या था, कागज रख कर प्लेट को दबाव मुद्रण किया गया था, है ना। और इसी प्रकार गुटेनबर्ग ने एक सुस्पष्ट, सस्ता तथा शीघ्र कार्य करने वाला क्या था, मुद्रण यंत्र विकास किया, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने क्या, दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, उसी को क्या बोल सकते हैं, भूमंडलीकरण बोल सकते हैं, है ना। और इसके फलस्वरूप क्या किया, संपूर्ण विश्व एक छोटे से गांव के रूप में क्या क्या परिवर्तित हो गया, मतलब क्या बदल गया। और जैसे भूमंडलीकरण कहीं कैसे, देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया, उसी को क्या बोल सकते हैं, हम भूमंडलीकरण बोल सकते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या किया, संपूर्ण विश्व एक छोटे से गांव के रूप में क्या किया, परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, है ना, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का जो प्रभाव था मजदूर वर्ग पर भी पड़ा, किस पे, देखिए 1917 कितना ईस्वी, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ा। इस फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको कि रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर कितना ईस्वी में पड़ा, 1917 ईस्वी में पड़ा। और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या किया, स्थापना किया, किसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया, जो सीआर दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया, सक्रिय रूप से क्या किया, शामिल किया जाए और उनकी मांगों का क्या किया, समर्थन किया जाए। किसने कहा, कांग्रेस द्वारा, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया गया, किसने, सीआर दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा जो किसान और श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया, इसमें शामिल किया जाए और उनके मांगों का क्या किया, समर्थन किया जाए, है ना। कितना ईस्वी में, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, है ना। अगला क्वेश्चन है,
देखिए काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका है। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, जैसे क्या, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, कितना उसमें था, कितना जर्मनी के एकीकरण में कितना राज्य था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। और सेकेंड पॉइंट है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं क्या सब था उसमें बाधाएं, व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं। अगला है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, क्या था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव में जर्मनी का एकीकरण की प्रमुख बाधा थी। अगला है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, क्या है, ऑस्ट्रिया का क्या है, हस्तक्षेप है ना। और अगला है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सब है ना जर्मनी के एकीकरण की क्या है, बाधाएं है फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।